ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ KSRTC रिक्रूटमेंट 2019 जॉब अपडेट के बारे में। तो चलिए आपको उसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी दे देता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी इसी प्रकार के जॉब अपडेट्स लेकर के आता रहूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और जान लेते हैं इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में KSRTC बोलते हैं। नेम ऑफ पोस्ट ड्राइवर की है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1500 के आसपास रहेगी, यानी कि अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया कि कितने पद निकलने वाले हैं, लेकिन जो अनुमानित वैकेंसीज है वो 1500 के आसपास रहेगी। जॉब कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। दोस्तों, ये भर्ती कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। जॉब लोकेशन कर्नाटका, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग कर्नाटका के अंदर होगी। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आप इसमें सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाओगे, ऑफलाइन माध्यम से आप आवेदन नहीं कर सकते। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अभी तक भर्ती अनाउंस नहीं की है, जो मैं आपको अभी जानकारी दे रहा हूं ये इसके बारे में लेटेस्ट जॉब अपडेट है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये भर्ती अनाउंस होने की तिथि है मार्च के सेकेंड वीक या थर्ड वीक में ये वैकेंसी रिलीज हो सकती है। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपकी आवेदन करने की अंतिम तिथि रहने वाली है। यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो आपकी भर्ती मार्च के सेकेंड वीक में अनाउंस होगी और अप्रैल के सेकेंड वीक तक आपकी डेट चलेगी, जब तक आप आवेदन कर पाओगे। और जैसे ही मुझे इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी मिलती है तो मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट KSRTC.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोस्ट इसमें एक ड्राइवर की है, जो कि 1500 के यानी कि 1500 वैकेंसीज के आसपास रहने वाली है। अब बात करते हैं सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए, तब जाकर वो ड्राइवर पोस्ट पर आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर्ड 2 ईयर बिफोर, यानी कि आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हो जो कि 2 साल पहले रजिस्टर किया गया हो, इसका मतलब यह होता है कि आपके पास 2 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस हो। वैलिड पैसेंजर व्हीकल लाइसेंस एंड कर्नाटका PSV बैज, आपके पास वैलिड पैसेंजर व्हीकल लाइसेंस और कर्नाटका PSV बैज होना चाहिए। पास्ट इन SSC मैट्रिकुलेशन, और आपके पास 10वीं पास की योग्यता होनी चाहिए। वैलिड कंडक्टर लाइसेंस एंड कर्नाटका बैज, आपके पास वैलिड कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए और एंड कर्नाटका बैज के अंदर होना चाहिए। एप्लीकेशन मस्ट चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई और चेंजेस होता है तो उसके लिए आपको उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना पड़ सकता है, जो कि अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। दोस्तों, अब चेक कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में जानकारी। दोस्तों, मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल है, यानी कि जिन आवेदकों की उम्र 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में होगी वो सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस होता है उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी के लिए एग्जैक्टली कितनी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। वैसे जो नॉर्मली एज लिमिट है वो 18 से 45 साल के बीच में दी गई है। वैकेंसी सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि आपका सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों, आपका सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम और आपका एक ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पर्सनल इंटरव्यू के बारे में मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपका इंटरव्यू होगा, लेकिन आपका एग्जाम और ड्राइविंग टेस्ट जरूर होगा, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कंपलसरी है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, जो कि आपको वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस और 10th क्लास की सर्टिफिकेट मार्कशीट देनी है, तो वो चेक की जाएगी ओरिजिनल है या आपके पास कोई फेक जानकारी तो नहीं है, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एप्लीकेशन फी, यानी कि इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आपको कितनी एप्लीकेशन फीस देनी होगी। तो दोस्तों, एप्लीकेशन फीस के बारे में जानकारी के बारे में कोई जानकारी भी मेरे पास नहीं है, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा कि अभी तक मेरे पास के बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। जैसे ही कोई एप्लीकेशन फीस के बारे में जानकारी मिलती है तो मैं आपके साथ वो जानकारी शेयर कर दूंगा। कर्नाटका स्टेट ड्राइविंग रिक्रूटमेंट पे स्केल, यानी कि आपको इस पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाने के बाद कितनी सैलरी दी जाएगी कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से। तो दोस्तों, आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 11,640 रुपये से लेकर 15,700 रुपये के आसपास होगी। एग्जैक्ट तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये शायद लास्ट ईयर में आपको ये सैलरी मिली होगी, यानी कि जो लास्ट भर्ती आई थी उसमें ये सैलरी दी गई होगी ड्राइवर पोस्ट के लिए। अगर इसमें कोई वृद्धि होती है तो आपको उसके बारे में जानकारी
मिल जाएगी। दोस्तों अब बताते हैं कि आप आवेदन कैसे कर पाओगे। दोस्तों आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जो कि KSRTC.in। इसके बाद आपको उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा जो कि रिसेंटली डाउनलोड हुआ पब्लिश हुआ हो। उसके बाद आपको इसको एक बार रीड करना है और उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है और उस पेज पर चले जाना है जहाँ पर आपको अपना फॉर्म भरना है और आपको अपने फॉर्म के अंदर सभी जानकारी भर देनी है जो कि वहाँ पर मांगी गई हो। साथ ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर वहाँ पर मांगा है अपलोड करने के लिए, और आपकी मार्कशीट और आपके नंबर्स कितने आए हैं मार्कशीट में वो आपको जानकारी वहाँ पर भर देनी है। इसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर देनी है अगर आपसे मांगी गई है किसी कैटेगरी के लिए। अगर नहीं मांगी गई है तो आपको बस अपनी जो डिटेल्स भरी है वो आपको एक बार फिर से चेक कर लेनी है कि कहीं पर आपके द्वारा कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको आपको वहीं की वहीं क्लियर करके फॉर्म सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक फोटोकॉपी जरूर ले लें, और यदि आप अपना फॉर्म फ़ोन के माध्यम से फिल कर रहे हो तो आपको जहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाए उस जगह से आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि वो जो जानकारी है आपके पास रहे और आपको अगर कहीं फ्यूचर में यूज पड़े उस जानकारी का तो आप उसको यूज कर सको। दोस्तों अब मैं आपको उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक के बारे में और एप्लीकेशन फॉर्म लिंक के बारे में जानकारी दूं, तो जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस नहीं हुआ है, तो मैं आपको उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दे रहा हूं जो कि अभी तक एक्टिवेट नहीं हो क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे रहा हूं, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो मैं उस लिंक को अपडेट कर दूंगा और उस लिंक की जगह मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दे दूंगा जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाओ और अप्लाई ऑनलाइन लिंक तक पहुंच पाओ। और अगर इस भर्ती के अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस होते हैं जो अभी जानकारी मैंने दी है इसके अलावा कोई अलग चेंजेस होते हैं तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना करके उसके बारे में दोबारा से कंप्लीट जानकारी दूंगा और बताऊंगा कैसे आपको अपना फॉर्म भरना है अच्छे तरीके से पूरी जानकारी के साथ। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं बस आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जो मैं आगे वीडियो डालूँ या जो मैं आगे वीडियो डालने वाला हूँ ऑल इंडिया जॉब्स के बारे में वो वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। छा छा।